योग चूड़ामणि उपनिषद। सबसे पहले हम जानते हैं चूड़ा का, चूड़ामणि का अर्थ क्या होता है। चूड़ामणि मतलब मुकुट बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो राजा महाराजा पहले होते थे वो लोग एक मुकुट लगाते थे, और जो रानियां होती थी वो भी एक छोटा सा मुकुट धारण करती थी। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे चूड़ामणि का मतलब समझ सकते हैं कि मुकुट है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि नाथ परंपरा से संबंधित उपनिषद है। जैसा कि भैया ने पढ़ाते वक्त हमें बताया था कि गोरख संहिता जो हमारा है, गोरख शतक से यह मेल खाता हुआ उपनिषद है। ठीक है, उसमें 201 श्लोक है, लेकिन इसमें 121 मंत्रों का वर्णन है, लेकिन इसमें कोई अध्याय नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो हमारे सिलेबस में मुख्य विषय क्या है, हमारा षडंग योग। षडंग योग में हम यम नियम को हटा देते हैं, सिर्फ हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को लेते हैं। जैसा कि श्लोक मंत्र संख्या 2 में कहा गया है, आसनम प्राणा प्राण सरोदर प्रत्याहारेश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगानी भवत सणम सण। ठीक है, सठ मतलब 6 है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे इसमें 2 आसनों का वर्णन मिलता है, सिद्धासन और पद्मासन। एकम सिद्धम प्रोक्तम द्वितीय कमलासनम। देखिए यहाँ पे पद्मासन को कमलासन भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 6 चक्रों का हमें वर्णन मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने चक्रों के नाम, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ठीक है, चलिए आपने देखा होगा गोरख संहिता में भी, गोरख सतम में भी 16 आधार का वर्णन है, और उसमें 2 लक्ष्य हैं और इसमें 3 लक्ष्यों का वर्णन मिलता है हमें, और 5 आकाश का वर्णन है इसमें। ठीक है, और जो नाड़ियां हैं हमारी 72,000 में से 72 आप सभी पढ़ते ही आए हैं, उनमें से 10 मुख्य हैं। ठीक है, आप सभी को पता है प्राणों का वर्णन है, प्राणापान व्यान उदान समान नाकुंड ककल देवदत्त और धनंजय। ठीक है, जैसा कि आपने इनके स्थान भी देखे होंगे, हृदय प्राण है, गुदया पान है, समानो नाभि मंडले। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इसमें बताया है अजपा गायत्री। ठीक है, इसमें 21,600 जो हमारा 24 घंटे होता है, जो हमारी श्वास वो 21,600 होती है। ठीक है, अजपा गायत्री यहाँ पे से बताया गया है। ठीक है, आप सभी सुनते ही आए हैं कि जो हमारी कुंडलिनी है वो 8 लपेटे यहाँ पे बताई है, अलग अलग ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए जो हमारे शरीर है वो 3 है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। जैसा कि आपने पंचकोश में भी पढ़ा, मांडुक्य उपनिषद में भी पढ़ा, ठीक है, अन्य उपनिषदों में भी शरीर का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अब हम अवस्थाएं जान लेते हैं, जो कि सभी को ज्ञात है हमारी 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया होती है, लेकिन यहाँ पे हमें निष्पत्ति का वर्णन हमें मिलता है। ध्यान रखिएगा तुरिया मत लगा के निष्पत्ति लगाइएगा। ठीक है, ये कौन सा उपनिषद है हमारा? हेलो, चूड़ामणि चूड़ामणि जी, ये कौन से वेद से संबंधित है हमारा? मैंने ये बताना भूल गई, ये साम वेद से संबंधित है संबंधित जी। इसके पहले भी आपने और उपनिषद पढ़े हैं, जैसा कि 10 उपनिषदों में पढ़ाया गया था, उसमें भी 2 उपनिषद सामवेद से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। इसमें 4 पुरुष हैं। ठीक है, जैसा कि आपने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है। ठीक है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। ठीक है, फिर इसमें प्रणव जप है। इसमें मुद्राएं देखिए, महामुद्रा, नवो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर और मूल बंध। ठीक है, ये 3 बंध हमेशा रहेंगे, ध्यान रखिए। फिर इसमें क्या चीज और जोड़ी है, महाबंध भी आपको मोस्टली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें नवो मुद्रा, खेचरी, बजरोली और षणमुखी मुद्रा, ये इसमें और ऐड हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 3 बंध है अपने, फिर मुद्राएं हैं। ठीक है, चलिए टोटल मिला के 8 हैं, गिन लीजिए। महामुद्रा, ठीक है, नभो मुद्रा 2, उद्यान बंध 3, जालंधर 4, फिर मूल बंध 5, खेचरी, बज्रोली और चरणमुखी। ठीक है, चलिए इसमें आपने देखा होगा ओमकार प्राणायाम का वर्णन किया गया है। सामान्यतः प्रथम, मध्यम और उत्तम आपने घेरण संहिता में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें भी यही चर्चा मिलती है। ठीक है, जैसा कि गोरख संहिता आपने पढ़ी है, इसमें
बारह सोलह दस, ठीक है। तो जो हमारा मध्यम है, 12 12 बढ़ दो 24 होता है, 12 3 3 बढ़ा देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो सामान्य वाले में हमारा क्या हुआ, 12 16 10, फिर हमने इधर 2 3 बढ़ा दिया, ठीक है, 16 16 32 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 10 20 और 30 हो गया। ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। योग चूड़ामणि उपनिषद का गूढ़ ज्ञान केवल सिद्धि देने वाला है। अगर हम इसका जो रहस्य गूढ़ ज्ञान है, मतलब अगर इसे हम ज्ञान जान लेंगे तो हमें केवल की सिद्धि प्रदान करने वाला है, ठीक है। अब सिद्धि कैसे मिलेगी हमें, तो इससे भी हमें जानना पड़ेगा। तो किस प्रकार हमें सिद्धि मिलेगी, जब हमें 6 चक्रों का ज्ञान होगा, ठीक है, 16 आधार ज्ञान होगा और 3 लक्ष्य और 5 आकाश। अगर नहीं जानेंगे तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम 6 चक्र जान लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे मूलाधार को देखिए, आधार चक्र कहाँ है, स्वाधिष्ठान। नाभि को मणिपुर कहते हैं, यहाँ पे नाभि चक्र कहा गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हृदय को यहाँ पे पद्म चक्र कहा, विशुद्धि और आज्ञा बाकी सेम है। आप सभी को इनके बीज मंत्र पता है, 4 6 10 12 16, और आज्ञा में 2 पंखुड़ियां होती है, ठीक है। देखिए भैया ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो सहस्त्रार्थ दल है, मतलब जो सहस्त्रार्थ चक्र है हमारा, उसका नाम तो है लेकिन हमें 7 चक्र नहीं टिक करने हैं, ठीक। जो चक्र है वो हमें यहाँ पे 6 ही टिक करने हैं, ठीक है। जिसे कमल भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र में महापद्म में स्थित है जो सहस्त्रार्थ है हमारा, ठीक है। कुंडलिनी स्थान योनि स्थान बताया है, ठीक है। और योनि स्थान कहाँ पे हमारा स्थित है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य, ठीक है। आप लोग जैसे थोड़ी थोड़ी दूर में एक बिंदी रख लीजिए कॉपी में, फिर एक बिंदी, तो उसका जो मध्य भाग है वहां पे हमारा योनि स्थान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, पश्चिमाभिमुख महालिंग मूलाधार के बीच में स्थित है, ठीक है। मतलब ये जो मूलाधार की पंखुड़ियां होती है ना 4, तो उसका जो बीच वाला भाग होता है वहां पे हमारा ये महालिंग स्थित है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि मैंने इसमें कितने चक्रों का वर्णन बताया, चित्र का 6 वर्णन चक्र बताया है। छह जी, चक्र और भाग सहस्त्रार्थ पश्चिम को और अनाहत विशुद्धि आज्ञा। जी, बिल्कुल नीरज क्या हुआ? जी जी देखिए यहाँ पे बोला है मूलाधार 4 दल वाला है, को काम कहते हैं, ठीक है। काम जो हमारे जो हमारा मूल स्थान है उसे यहाँ पे काम शब्द कहा गया, ध्यान दीजिए, क्योंकि त्रिकोणायुक्त अग्नि मेढ में प्रतिष्ठित है, मेढ, ठीक है। कुंडलिन जगत की उत्पत्ति का कारण काम रूप है, जैसा आपने इसके पहले भी उपनिषद पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे, जैसा हमारा योगराज उपनिषद है, ठीक है, इसमें भी कामरूप पीठ की चर्चा उसमें भी की गई है, सिद्ध सिद्धांत में भी की गई है, आप लोग पढ़ेंगे। प्राण का स्थान कहाँ बताया है, स्वाधिष्ठान चक्र, हर जगह आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, हृदय में, ठीक है, हृदय अनाहत में, परंतु इस उपनिषद में स्वाधिष्ठान चक्र में बताया गया है, जिसे प्राण को ही स्व कहा गया है, स्व मतलब प्राण, ठीक है। चलिए, स्वाधिष्ठान में स्थित होने वाले प्राण को मेड भी कहते हैं, ठीक है। अगर मेड स्थान आए तो अगर वहां पे ऑप्शन प्राण या स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान नहीं प्राण है, तो भी हम राइट टिक करेंगे प्राण, ठीक है। फिर योनि का आकार कैसा बताया यहाँ पे, पक्षी के अंडे के आकार का, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है, पक्षी के अंडे के आकार का बताया है। फिर योनि कुंडलिनी को कहा है मेड्र और नाभि के मध्य में स्थित है, कुंडलिनी कहा है मेड्र और नाभि के मध्य, ठीक है। इसमें आपने देख लिया नाड़ियों की संख्या 72 है, 72 में से 10 है, ठीक है, आपने नाड़ियों पढ़ी है, लेकिन एक बार मैं ऐसी जल्दी से पढ़ देती हूँ। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजीवा पूषा यशस्विनी अलम्बुषा कुहू और शंखिनी, ठीक है। आप सभी के इसके स्थान पता है, हम आगे चलते हैं। देखिए ये जरूर ध्यान रखिए, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के देवता, ठीक है। तो जो हमारी सुषुम्ना है वो अग्नि है, ध्यान रखिएगा, सुषुम्ना मतलब जो हमारे स्पाइनल है उसको ध्यान रखिएगा कि गर्म होती है, मतलब अग्नि है, ठीक है। फिर पिंगला सूर्य और चंद्र, आपको तो ये पता ही है, ठीक है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने प्राण देखे हैं, ठीक है। प्राण के स्थान पढ़ती थी, हृदय में प्राण है, गुदा
अपान है, समान नाभि में स्थित है, कंठ गले में है, और आप सभी को पता है कि जो हमारा व्यान है वो संपूर्ण शरीर में है। ठीक है, फिर डकार, नाग, कूर्म, प्रकल, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि आपको पता है, नाग मतलब डकार होती है, कूर्म मतलब पलक झपकाना, उन्मेष, उन्मेलन, प्रकल मतलब छींक, देवदत्त मतलब जोहाई, और धनंजय जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बयान को, वैसे यहाँ पे धनंजय संपूर्ण शरीर में हमारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है प्राण को खींचकर अपान को खींचकर, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा प्राण और अपान है वो एक दूसरे को खींचता रहता है। ठीक है, जब वो एक की स्थिति हो जाएगी तो वो हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, आप सभी को ये चीज पता है। ठीक है, अब हम आते हैं योग वित्रा कौन है। भैया ने बहुत अच्छे से समझाया था, प्राण एवं जीव की इस ऊर्ध एवं अधोगामी। देखिए, जैसा आपने देखा कि प्राण और जीव, जैसे आपने देखा प्राण और अपान, वैसे यहाँ पे देख समझने का प्रयास कीजिए कि ऊर्ध और अधो मतलब ऊपर, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधो मतलब नीचे की ओर। इस प्रक्रिया को जानने वाले को योग वेत्रा कहा गया है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अजपा गायत्री सोहम मंत्र। ठीक है, तो इसमें मैंने कितनी बार आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर मुझे बताएगा 21,600 जी नीरज जी। जी 21,600 बार हाँ बिल्कुल, 21,600। तो इसमें हमने हमें क्या करना है, रेचक और पूरक की क्रिया, मतलब सो और हम 24 घंटे ये क्रिया को करते रहते हैं, बस हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आज अब गायत्री के संकल्प मात्र से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। सोचिए, अगर हमने सिर्फ इसका संकल्प मात्र लिया है, ठीक है, उसी से हमारी सभी जो इतने हमने पाप किए हैं, सभी पाप करते हैं मतलब मनुष्य में, तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लोग को नहीं पता मुझे। ठीक है, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसके समान ना तो कोई विद्या है, ना तो कोई जप है, ना तो कोई ज्ञान है। ठीक है, मतलब जो अजपा गायत्री है उससे बढ़कर ना कोई विद्या है, ना कोई यहाँ पे जप है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वहां पे योग वेत्रा देखा था आपने। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेद वेत्रा। ठीक है, तो अब वेद वेत्रा क्या होता है, जो हमारी अजपा गायत्री होती है, ठीक है, जिसे हम महाविद्या कहते हैं, जो कुंडलिनी के उद्गम है, इस प्रकार जो जान लेता है उसे हम क्या कहते हैं, वेद वेत्रा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए सिर्फ अजपा गायत्री वर्ड ध्यान रखिए, पहले वाले में हमें क्या ध्यान रखना है, प्राण और जीव। ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा मत, वहां पे योग कहा गया है और इसमें वेद, तो वेद हम गायत्री अजपा गायत्री से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा आपने हमने बताया था स्टार्टिंग में कि कुंडली 8 लपेट 8 फेरे है। ठीक है, और यहाँ पे कुंडली को क्या बोला गया है, परमेश्वरी वर्ड। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं, आपने जैसा कि देखा होगा शिव संहिता में, सॉरी योग बीज में, जैसा आपने देखा होगा कि जो कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती है तो वहां पे अलग चीजें बताइए, लेकिन यहाँ पे कहा गया है सुई की तरह है, हमारे स्पाइनल में ऐसे पता चलता है सुई की तरह की, जैसे कोई चुभ हो रहा है वो ऐसे ऊपर चढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस प्रकार हम ताले को कुंजी से खोलते हैं, चाबी को, उसी प्रकार से कुंडली से योगी मुक्ति के द्वार को खोलता है। ठीक है, अगर कुछ भी मुक्ति का द्वार खोलना है तो उसे कुंडलिनी की जरूरत जरूर पड़ेगी, तभी जागृत करेगा, तभी वो मुक्ति का द्वार खोल पाएगा। प्राणायाम के अभ्यास से पसीना जो निकलता है उसे हम अपने शरीर में मल लेना चाहिए, आप सभी को पता है। ठीक है, पत्य और अपत्यार आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि आपने हट प्रदीपिका में देखा होगा, चार अपत्य आहार मुख्य वर्णन है। ठीक है, और इसमें तीन बताया, कटु, अम्ल, लवण, और वहां पे किस आहार का वर्णन है, और हेलो दीक्षित दीक्षित जी दीक्षित तीक्ष्ण है शायद, दीक्षित जी हाँ शायद, नहीं कंफर्म तीक्ष्ण नहीं है। ठीक है, वहां पे चार का वर्णन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा गया है पथ्य में दूध एवं दूध से बनी चीजें, वहां पे भी ऐसा हमें बताया गया है। ठीक है, देखिए एक वर्ष में कौन सिद्धि प्राप्त करेगा, आपने बहुत अच्छे से देखा है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणा, यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं है हट त्यागी, प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। यहाँ पे त्यागी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे त्यागी नहीं है, यहाँ पे योग परायण डायरेक्ट बोल दिया, योगी एवं योग परायण। ठीक है, चार शब्द ध्यान रखिएगा। योगी के लिए कुंडलिनी मोक्ष देने वाली, मैंने आपको बताया था, लेकिन अज्ञानी के लिए वही कुंडली कौन है, बंधन का कारण बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम।
योगी मुक्ति को कब प्राप्त करेगा? जब वो आठों चीजों को जान जाएगा, जैसा यहाँ पे बताया गया है। हाँ मुद्रा ना वो मुद्रा, उद्यान बंद, चालंदर बंद और मूर बंद। ठीक है, आपको हमने स्टार्टिंग में बंद जो बताए थे, जब इन सबको जान लेगा ना तो मुक्ति को प्राप्त करेगा, और अगर नहीं जानेगा तो उसी में बंदा घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए। मूल बंध है अपना अपान वायु को ऊपर खींचना, सभी को पता है मूल बंध। ठीक, मूल स्थान से लगाया जाता है, जैसे मूलाधार बोल। ठीक है, प्राणापान की एकता, मल मूत्र कम हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा मूल स्थान में ये बिंदु है, ठीक है, जब वो हमारा वो जब हमारा बोलते हैं ना कि अगर वो कम हो जाता है तो हम बुढ़े दिखने लगते हैं, लेकिन अगर वो हमारा एक समय स्थिति में रहेगा तो हम युवा दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मूल बंध का ये लाभ बताया गया। ठीक है, मृत्यु मातंग केशरी आप पढ़ते ही आए हैं। ठीक है, जैसा कि हाथी विशाल होता है लेकिन शेर छोटा होता है, फिर भी वो हाथी को बचाने की क्षमता रखता है, इसलिए उद्यान बंध छोटा है लेकिन वो बहुत बलशाली बताया गया है। जालंधर बंध, ठीक है, आप सभी जानते हैं, जो शरीर के नीचे की ओर प्रवाहित। जालंधर बंध गले में लगता है, जो हमारा अमृत पान होता है वो नीचे ना गिर पाए, वहीं पे रुक जाए। ठीक है, उसे हम मूल जालंधर बंध कहते हैं। फिर खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा क्या है? दृष्टि रुमद्र जीवा कपाल गुहा, जीव को फोल्ड करके जो हमारा कपाल गुहा है वहां पे लगाते हैं, वही यहाँ पे बताया गया। तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, उससे हमारी भूख प्यास का मतलब जो भूख प्यास है वो हमारी स्थित हो जाएगी। ठीक है, रोग नहीं होंगे। ठीक है, कर्मों में लिप्त नहीं होंगे हम, क्योंकि हमारी हमारा अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो हमारी ऐसे लालसा नहीं होगी कि हम ये खा लें वो खा लें। ठीक है, नियंत्रित हो जाएंगे हम। ठीक है, योनि मुद्रा क्या बोलती है? देखिए, जैसे हमने बताया था, बिंदु को बलपूर्वक रोकना ऊर्ध्वगामी बनाता है योनि मुद्रा से। ठीक है, बिंदु के दो प्रकार है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पांडर और लोहित। ठीक है, जो सफेद और लाल है। ठीक है, ये हमारे उसमें नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, रज का स्थान रवि स्थान है, शुक्र का स्थान चंद्र स्थान है। ठीक है, देखिए योग बेता कौन है, आपने वहां देखा था, अब एक शब्द यहाँ पे भी सुन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बस 5 मिनट और लेना चाहूंगी। रज का सहयोग सूर्य से, जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा, रज का सहयोग सूर्य से। ठीक है, और शुक्र का सहयोग चंद्र से जिस प्रकार होता है, वह दोनों को एक एक हो जाना जब साधक, उसे योग बेता कहते हैं। जैसा आपने देखा था वहां पे प्राण और जीव, तो यहाँ पे देखिए रज का स्थान और शुक्र, वीर और बिंदु और रज। ठीक है, बस यहाँ पे ये दो चीजें नाम अलग हैं, इसलिए यहाँ पे नाम अलग करके वर्णन कर दिया है। ठीक है, महामुद्रा सभी जानते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? पद अपद, इसमें नाड़ियों की शोधन होता है, चंद्रसूत्र चलने लगता है, रस का शोषण होता है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, फिर हम चलते हैं। अजपा गायत्री की विधि, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछता है। अजपा गायत्री की विधि क्या है? हमें एक शांत स्थान में बैठना चाहिए, पद्मासन लगाना चाहिए। ठीक है, नासिकाग्र हमारी दृष्टि होनी चाहिए, कम से कम सिर तक का शरीर सीधा होना चाहिए। सभी को पता है जब हम पद्मासन में बैठेंगे तो अगर ऐसे झुकेंगे ना तो हमारे पीठ में दर्द सा होने लगता है। ठीक है, इसलिए हमारे सिर सीधा होना चाहिए। आपने श्वेता श्वेतर उपनिषद में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, ध्यान का। देखिए यहाँ पे जो हमारे पांच, पृथ्वी वायु आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति का क्रम है ये। ठीक है, आप सभी को पता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव और ईश्वर। अब पृथ्वी में ब्रह्मा क्यों आए, जल में विष्णु क्यों और अग्नि में रुद्र क्यों है, तो हम देखते हैं। देखिए सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा से, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रह्मा को लिया, ये रजोगुणी है। ठीक है, और रुद्र हमारे संहार करता है, उनके कारण तमोगुणी है, मतलब वो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, गुस्से में फूल जाते हैं। ठीक है, और पालन करता है हमारे, वो सत्य में रहते हैं, वो सब स्थिति में संभव रहते हैं। ठीक है, विष्णु जी हमारे। ठीक है, चलिए, देवों में सबसे पहले उत्पत्ति किस हुई थी? ब्रह्मा जी की, जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है, भोगों के लिए किसकी उत्पत्ति हुई? इंद्र की। ठीक है, ब्रह्मा जी ने किसकी उत्पत्ति की? नर लोगों की, देवों की, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए ये इतना मुख्य इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम चलते हैं अपने अष्टांग योग की ओर। ठीक है,
सॉरी, छह अंग जो हमारे हैं उसको हम देखते हैं। ये देखिए, अब हम छह अंगों को देख लेते हैं क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। देखिए, षडंगियों की यहाँ पे चर्चा की गई है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पहला है आसन। आसन आपने देखा दो है, कौन कौन सा आसन है मुझे कोई बताए? पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन। जी, उसे एक नाम से और भी जाना गया है, कमलासन। बिल्कुल, कमलासन। ठीक है, भूलिएगा मत। तो इसका यहाँ पे क्या लाभ बताया है? रोग समाप्त करते हैं। ठीक है, जो हमारे आसन है उनसे क्या होता है, हमारे जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, आसने रुजम हंती, मतलब जो हमारे शारीरिक रोग है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, पापों का नाश हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, पापों का नाश हो जाता है। फिर प्रत्याहार, मानस विकार समाप्त हो जाते हैं प्रत्याहार से। कैसे समाप्त हो जाएंगे? विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। ठीक है, इससे मानसिक विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर धारणा, धैर्यवान। धारणा से शब्द से ही ध्यान रखना, धैर्यवान। ठीक है, फिर हम चलते हैं ध्यान। चैतन्य होते हैं इसमें, चैतन्यता आती है। ध्यान से क्या आती है? चैतन्यम उद्भूतम, मतलब चैतन्य का उदय होता है, उद्भव। ठीक है, फिर हम चलते हैं समाधि की ओर। समाधि में क्या बताया? शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब शुभ अशुभ जब कर्म हो जाएंगे तो हमारी मुक्ति हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा 110 नंबर में वर्णन किया गया है, मंत्र संख्या। अब देखिए, यहाँ पे सब में 12 12 जोड़ देना है। ठीक है, 12 वर्ष में 12 में प्राणायाम, 12 में प्रत्याहार, 12 में धारणा और 12 में ध्यान। ठीक है, ये पूछता नहीं है कि 12 में 12 का इंटू करो तो 144, फिर उसका इंटू करो तो फिर उससे बढ़ता चला जाएगा, तो ये पूछता नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सब में 12 12 का हमें गुणा करना है। ठीक है, फिर हमारी नाद सिद्धि कब होती है? गतिशील वायु का जब आकाश मंडल में स्थित होती है तब साधक को घंटा आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, जब गति वायुमंडल के आकाश मंडल में स्थित होती है तब हमें किसकी ध्वनि सुनाई देगी? वाद्य यंत्रों की। इसे हम नाद सिद्धि कहते हैं। ठीक है, युक्त प्राणायाम, अयुक्त प्राणायाम। सभी रोगों से मुक्त कौन कराएगा? जो युक्त प्राणायाम, मतलब हम विधि विधान से प्राणायाम करेंगे तो हमें रोग नहीं होंगे, जैसा आपने ग्रंथों में भी पढ़ा है। लेकिन अगर हम सही चीजों से प्राणायाम नहीं करेंगे, सही विधि से, तो क्या हो जाएगा हमें? खांसी, हिचकी, सिर में दर्द, कान में दर्द, आंखों में पीड़ा। आपने इसे हठगेरंड में भी पढ़ा है। ठीक है, प्रत्याहार देख लीजिए, इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना। आप सभी ने सामान्य अष्टांग योग में पढ़ा होगा कि अगर फुल्की वाले का ठेला खड़ा है और अगर हमारे जीभ में पानी आ गया तो हमारा प्रत्याहार बस में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीभ में पानी आ गया, हमारा मन करने लग गया उसको खाने का, तो उसको वश में करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी करिए। ठीक है, और मैं आपको क्या बता दूं, इसकी मुख्य चीज देख लीजिए, ओमकार प्राणायाम जो आपने देखा था। ठीक है, तो प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम में क्या होता है? पसीना आता है। मध्यम में क्या होता है? कंपन आता है। और जो उत्तम स्थिति होती है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। आपने इसे ग्रंथों में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देखिए, जो शरीर है अपना, ठीक है, जो प्राणहंस जप है, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्राणहंस रूप में है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है, और आपने शरीर की माप 96 अंगुल पढ़ी है और पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, और इसमें मुख्य चीज क्या है जो मैं आपको बता दूं, इसकी मुख्य चीज तो यही है कि
क्यों, मुझे लगा आप लोग बता दीजिए अगर आप लोग को इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा हो। मैं नीचे करने और देखिए इसमें ये, प्राणायाम के हाँ ना, ये बढ़ा दो, ये वाला। हाँ अच्छा ठीक है क्योंकि समय हमारा हो गया है। देखिए इसमें प्राणायाम के मैंने किताब में देखे थे तो तीन प्रकार का वर्णन है, किस प्रकार, प्राणाकर्षण, नाड़ी शोधन और ओमकार प्राणायाम। ठीक है, इसमें तीन चीजों का वर्णन मिलता है अगर पूछे तो। देखिए नीरज जी ने बोला, मैं बता देती हूँ, आकार जागृत है, उकार स्वप्न है और मकार सुषुप्ति है। ये आपने पढ़ा होगा किस उपनिषद में बताया गया है, 10 उपनिषदों में से, जल्दी बताओ। मांडव्य उपनिषद में, मांडव्य उपनिषद में बताया है। मांडव्य। पहले जागृत में क्या होता है, नेत्रों में निवास होता है, फिर नेत्र के बाद आंखों में आया, फिर कंठ में आया, फिर हृदय में आया। ठीक है, मुंह में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, कंठ में, क्योंकि हमारी आवाज ना कंठ से निकलती है। फिर हृदय में, तो सुषुप्ति अवस्था जो होती है वो हृदय में होती है, ध्यान रखना। और स्वप्न कहाँ से होता है, कंठ से। ये और जगह भी आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल मिलेगा। फिर देखिए आ उ और माँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनके देवता हैं। रज, देखिए आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो विष्णु जी हैं वो समान स्थिति में है, तो इसका ध्यान रखिए तो आपको ध्यान रहेगा, सत्य है। ठीक है, श्वेत वर्ण है और कंठ में है। ठीक है, ये सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ है। रुद्र कौन है, हमारे जो हृदय में है कृष्ण है। ठीक, और जो रज है वो लाल है। ठीक है, हमारे ब्रह्मा जी लाल हैं, चेहरे से उनके ध्यान रख लीजिए कि उनका चेहरा बहुत ग्लो करता है, तो लाल है। ठीक है, नेत्र स्थान है उनका। ठीक है, और विराट स्थूल विराट विश्व। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उत्पत्ति की है, ब्रह्मा जी ने ही हमारी, इसलिए स्थूल विराट विश्व कहा गया है। ठीक है नीरज जी, जी बाकी इसमें मुझे यही इम्पोर्टेंट लगा था और हमारा समय भी हो गया है।